नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद तफसील से रुख करेंगे तमाम खबरों का। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय की पहले दौर की दिल्ली में बैठक हुई है। यात्रा की व्यवस्थाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। गृह सचिव ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को पहला जत्था यात्रा के लिए रवाना होगा और इस पहले दौर की बैठक दिल्ली में हुई। गृह सचिव ने इस बैठक की अध्यक्षता की और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली है। तकरीबन 62 दिनों तक यात्रा चलेगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी इसको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक गृह सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, चाहे आईपी से जुड़े हों या फिर सीआरपीएफ से जुड़े हों या सीआईएसएफ से जुड़े हों, तमाम जो अधिकारी हैं वो आज मीटिंग में शामिल हुए हैं। और खासतौर से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की चीजें देखने में आई हैं, आतंकियों ने जो कायराना हरकत पिछले दिनों की है, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वहां पर किए जा सकते हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 कंपनियां जो है वो मांगी हैं, सुरक्षा कंपनियां, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा और इस बार किस तरीके से जो यात्रा हो वो ना सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि पिछली बार जो देखा गया था कि एक आपदा आ गई थी, बाढ़ की स्थिति पैदा होगी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, उस तरह की कोई आपदा ना हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए जो तमाम इंतजाम हो सकते हैं जैसे रडार का इस्तेमाल हो, डोपलर रडार का इस्तेमाल हो या फिर इसरो के सैटेलाइट का इस्तेमाल हो, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हो या फिर आर्मी और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल बिठाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज जो मीटिंग है वो पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई है। दूसरी दौर की मीटिंग 4 बजे से गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी और पूरे तरीके से श्री अमरनाथ यात्रा को बिल्कुल फुल प्रूफ, सिक्योरिटी प्रूफ, आपदा प्रूफ जो है उसको बनाने की कोशिश है। अगर देखें तो पिछली बार जिस तरीके से 3,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु वो श्री अमरनाथ यात्रा में दर्शन के लिए पहुंचे थे, इस बार वो तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो बड़ा चैलेंज है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं और उस दर्शन को किस तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित, सुविधाजनक बनाया जाए, ये तमाम कोशिश हो रही है। इसी को लेकर के जो ये मीटिंग है आज पूरे दिन चलने वाली है। पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई है, दूसरे दौर की मीटिंग जो है 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। श्रीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के झुंड ने 7 साल के बच्चे पर हमला किया जिसके बाद बच्चा नाले में गिर गया। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआत में बच्चे का ब्रेन डेड हो गया था जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता नगर निगम से नाराजगी जता रहे हैं। उनके मुताबिक इस घटना के बाद प्रशासन ने कोई बात तक उनसे नहीं की है। तो जावेद साहब, ये बताएं कि जो हादसा है ये कब पेश आया था? ये 28 मई को पेश आया था, संडे के दिन शाम 6:30 से लेकर 7 बजे तक। थोड़ा सा तफसीलन बताएंगे इसके बारे में कि हुआ क्या था? एक्चुअली ये घर में बैठे इनके दादू ने इनसे कहा था कि हम कश्मीर घाट जाएंगे, उन्होंने नहीं माना था, तो इनकी मम्मी उनको पीछे भागे तो उन्होंने कहा खाली 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आता हूँ खेल के। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे नहीं था, मैं किसी जगह पे दावत पे था, तो इन्होंने अपनी माँ को बोला 5 मिनट दीजिए मुझे, बाबा तब तक आएगा तब तक मैं आ रहा हूँ। ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे बस लोकेलिटी नजदीकी में हमारा एक पार्क है, वहाँ पे खेल रहे थे। इनकी शायद बॉल गई थी वहाँ पे, जब ये बॉल लेने के लिए गए तो यहाँ पे एक शायद कुत्ते, यहाँ बहुत सारे होते लेकिन शायद उसमें कोई कुत्तियाँ थी वहाँ पे, तो उसके पीछे भागी थी और इतना डरता था ये कुत्तों से, अगर यहाँ पे भी इसको आवाज कुत्ता मारता ये 10 किलोमीटर दूर भाग जाता, तब भी इसने भागा है उल्टे साइड में, घर की तरफ नहीं भागा, उल्टे इसकी स्लिप हो गई थी, ड्रेन में जा गया था, ये ओपन ड्रेन है। अच्छा, ये बताएं जावेद साहब के जब आप हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को तो तब वो ठीक थे? हाँ, वो पूरा ठीक था, मैं जब आया तब वो ठीक था, लेकिन जब ये इन्होंने उनको यहाँ से ड्रेन से चढ़ाया था तो ये अनकॉन्शियस थे कुछ 5-10 मिनट के लिए, फिर मेरे मामू ने उनको अपनी गोद में लिया था तो ऑटो में गए थे तो उसमें उनको होश आया था। जब मैं वहाँ SMHS हॉस्पिटल में, पहले SMHS हॉस्पिटल लिया था, 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं पे थे, जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो इन्होंने एम्बुलेंस में इसको शिफ्ट कर रहे थे अपना चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, तो मैंने इसको अपनी गोद में पकड़ा, मैंने बोला बेटा क्या बात है, कहा बाबा कुछ नहीं, मेरे स्टमक में पेन है और कुछ नहीं, चोट नहीं लगी कहीं पे, चोट नहीं।
अगर आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन या एसएमसी हो गया, इनकी तरफ से अभी तक इन 13-14 दिनों में आपके पास कोई नहीं आया या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आया? जी नहीं, कोई भी नहीं है। इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है और दूसरी मेनका गांधी की गलती है। उन्होंने कुत्ते मारने पे बैन लगाई है। मैं उसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको बैन ही लगानी तो इनको शिफ्ट करो, बंद करो किसी जगह। उसको समझ नहीं आएगी यह बात, क्योंकि वो VIP कॉलोनी में रहती है। उन्होंने कुत्तों के साथ इसी भी टाइम सामना नहीं किया है। उसको बोले 4 दिन यहां आके रहो आम बस्ती में, फिर आपको चलेगा पता कुत्ते किसे बोलते हैं। हर 10-15 दिन के बाद हमको न्यूज आती है, उस बच्चे को कुत्ते ने खाया, इस बच्चे ने कुत्ते ने खाया। वहां यहां से न्यूज आती रहती है। हमारा बच्चा फिर इतना इन कुत्तों से डरता था तो वो भाग गया, कुत्तों को देख के ही वो भाग गया, वो ड्रेन में चला गया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया आप लोगों के पास? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। अभी क्या चाहते क्या है आप? हम क्या चाह सकते हैं, हम कुछ भी, जो होना था वो हो गया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये अगर उनको ड्रेन बनानी थी तो इसको साथ साथ ये भी बंद भी करना था, ऊपर से कवर करना था साथ साथ। उतने टाइम चालू नहीं ड्रेन करनी थी, पहले ड्रेन कंप्लीट करनी थी फिर चालू करनी थी। ऐसे ही ओपन रखिए, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बच्चा वो कहाँ बचेगा इसमें? बड़ा नहीं बच सकता। हम चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए, कि आगे कोई ऐसा हादसा ना होए, कोई बच्चा इसमें और ना जाए। आखिर कब तक यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग कुत्तों के खौफ से अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? और आखिर कब तक जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसे मामलों पे चुप्पी साधती रहेगी? वो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। शोएब शमीम के साथ न्यूज 18 के लिए बटमालू से मैं सरोज कफील। चलिए आगे बढ़ते हुए पुंछ से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। बघियाल दारा एवं कलसान में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। भारत पाक नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको पुंछ से दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने ये तलाशी अभियान शुरू किया है। सीमा से सटे इन इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बघियाल दारा एवं कलसान में ये तलाशी अभियान शुरू किया है। ये दोनों ही इलाके भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास है और यहीं पर तलाशी अभियान सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां भारत पाक नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास सटे इन इलाकों में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बघियाल दारा और कलसा ये दो इलाके हैं मुख्य तौर पर। यहां पर तलाशी अभियान सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं पुंछ से, जहां भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास के पूरे क्षेत्र में ये तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। लगातार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के बाद एक बार फिर से भारत पाक सीमा से सटे इलाकों में ये तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बल इस तलाशी अभियान को अंजाम दे रहे हैं। पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बघियाल दारा और कलसा में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दोनों ही इलाके, दोनों ही क्षेत्र भारत पाक नियंत्रण रेखा के निकट हैं और यहीं पर ये तलाशी अभियान सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस वक्त अहम खबर आपको पुंछ से दे रहे हैं, जहां भारत पाक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से तलाशी अभियान जारी है। पुंछ में भारत पाक सीमा से सटे इन क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें आतंकवादियों द्वारा की जा रही हैं, घुसपैठ करने की कोशिशें आतंकवादियों द्वारा की जा रही हैं, अशांति फैलाने की मनशा से ये घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों द्वारा हो रही हैं, और इन्हीं कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सेना चौकसी बरत रही है। और इसी क्रम में भारत पाक सीमा से सटे इन इलाकों में तलाशी अभियान एक बार फिर से चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर पुंछ से आपको दे रहे हैं। पुंछ वही इलाका है जहां हाल ही में सेना के वाहन में आतंकवादियों ने आग लगा दी थी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। ये वही इलाका है भारत पाक सीमा से सटा हुआ ये इलाका, जहां के बघियाल दारा और कलसान में ये तलाशी अभियान
चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल इस तलाशी अभियान को अंजाम दे रहे हैं। भारत पाक नियंत्रण रेखा के बहुत करीब ये क्षेत्र पड़ता है और यहीं पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सतर्कता बरतते हुए ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुनीश का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, इस तलाशी अभियान के पीछे कोई मुख्य उद्देश्य, किसी तरह का कोई इनपुट मिला था जिसके बाद इस तलाशी अभियान को अंजाम दिया जा रहा है? मुनीश जी, जसमीन, जैसे आपको पता कि पुंछ के जो करवाड़ा इलाके में 3 नक्सली पकड़े गए थे लोकल, और उनके बाद ड्रग्स और हथियार पकड़े गए थे, तो उसके बाद लगातार जो है सुरक्षा बलों की नजरें जो थी वो नियंत्रण रेखा के आसपास के गांव में थी। और पिछले दिनों में सुंदरबनी के अंदर जो है एक ड्रग्स पकड़ी गई थी 22 किलोग्राम, तो उसमें जो लोग पकड़े गए थे पंजाब के जो तस्कर थे, तो उनके खुलासे के बाद पुंछ के बगादर से भी 2 लोग उठाए गए थे, और उसी को लेकर लगातार इस इलाके में जो है सर्च चल रही है, जो आज भी जो है सुबह से सर्च चल रही है, और सुरक्षा बल जो है लगातार इलाकों को घुमा रहे हैं, क्योंकि नियंत्रण रेखा के उस पार से जो है इन इलाकों में काफी मात्रा में ड्रग्स और हथियार जो भेजे थे, और उसी को लेकर जो है सुरक्षा बल कहीं ना कहीं इस तरह की तलाशी भी चला रहे हैं, ताकि जो तस्कर हैं या जो आतंकी हैं उनको घेरा जाए और उनका जो सामान जो है वो बरामद किया जाए। अभी तक जो है बरामदगी की कोई खबर नहीं आई, लेकिन जो तलाशी पैमाने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान है और फेंसिंग के आगे का एरिया है, इसलिए जो है अभी तक कोई खास खबर नहीं निकल रही है, लेकिन तलाशी अभियान जो चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ निकलने की संभावना भी है। बिल्कुल मुनीष, पुंज वही इलाका है जहां पर हाल ही में सेना के ऊपर हमला किया गया था, सेना के वाहन में आग लगा दी गई थी, और जहां अभी ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ये भारत पाक का सीमा से बहुत सटा हुआ इलाका है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फेंसिंग है, और क्योंकि यहां पर जो नियंत्रण रेखा है वो बहुत पास है, और यहां पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से इस तलाशी अभियान को देखा जाए? नार्को टेररिज्म को फैलाने की कोशिश, नार्को टेररिज्म के जरिए अपने नेटवर्क को बड़ा करने की कोशिश आतंकवादियों की यहां पर होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल जसवीन, जो नियंत्रण रेखा जितने भी इलाके हैं उसमें पिछले कुछ समय से जो है ISI और पाकिस्तान की जितनी भी आतंकी संगठन है, तो उन्होंने अपने पांव दोबारा से पसारने शुरू कर दिए हैं, और उनका नेटवर्क फिर से जो है खड़ा हो गया है, जो उनके OGW है या जो उनके स्लीपर सेल है वो फिर काम करना शुरू हो गए। और ये जो बग्याल दरा है इसमें अगर बात करेंगे तो पिछले 2 सालों में करीब 1 क्विंटल के करीब जो है यहां से जो ड्रग्स पकड़ी गई जा चुकी है, और कई लोग भी जो है इस मामले में अंदर हैं, तो उसी को लेकर लगातार इस इलाके के जो है इस तरह के अभियान चलाए थे, क्योंकि नियंत्रण रेखा के बिल्कुल जो है फेंसिंग के आगे का इलाका है, और आगे जो है बिल्कुल साथ जो पाकिस्तान का इलाका सटा हुआ है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है, तो वहां से इस तरह की हरकतें की जाती हैं, ड्रग्स और हथियार भेजे जाते रहते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जो भाटादोड़ी में पिछले महीने की जो हमला हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोकल इन्वायरमेंट थी उसमें भी, तो उसको लेकर जो है तब से ही जो पूरे जिले में तलाशी अभियान और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और कहीं ना कहीं ये जो कोशिश ये है सुरक्षा बलों की कि जो आतंकियों ने दोबारा से अपने जो है यहाँ पांव पसारे शुरू किए, तो उनके स्लीपर सेल को खत्म किया जाए और आतंकवाद को फिर से जड़ से उखाड़ा जाए, क्योंकि 2007 के बाद जो है पुंछ और रजौरी जो है बिल्कुल अमन पूर्वक रह रहा था, यहाँ पे किसी तरह की कोई हरकत नहीं थी, लेकिन जब से जो है नियंत्रण रेखा पर सीज फायर हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतें जो है जारी रखी है। बिल्कुल, और इन्हीं नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए इस तरीके के तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुनीश, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद आपको लिए चलते हैं हिमाचल, जहां राजधानी में आज बिजनेस मीट का दूसरा दिन है। राज्य सरकार निवेशकों के साथ आज बैठक कर रही है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 2:30 बजे राज्य सचिवालय में इस बैठक की शुरुआत होनी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, CPS सुंदर सिंह ठाकुर, राम कुमार समेत विभिन्न विभागों के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बिजनेस मीट का आज दूसरा दिन है और कई निवेशकों के साथ यहाँ पर आज चर्चा होनी है, कई मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 2:30 बजे राज्य सचिवालय में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस बैठक में मुख्य तौर पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा CPS सुंदर सिंह ठाकुर और कई विभागों के प्रमुख इस बैठक का हिस्सा होंगे। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, आज 2:30 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होनी है, क्या वो अहम मुद्दे हैं जिनको आज डिस्कस किया जाएगा? इसके इतर क्या कुछ आज अहम रहने वाला है इस बैठक में? रणबीर
जी हाँ, देखिए इस वक्त हम राज्य सचिवालय में हैं, यही जो नया ब्लॉक बना है सचिवालय में, यहाँ पर आप जो है वो बैठक होने वाली है। ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, जो तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर बिजनेस मीट यहाँ पर लिखा गया है G2B, इसका जो है नाम यहाँ पर दिया गया है, 2:30 बजे ये शुरू होगा। देखिए आज जो जानकारी निकल कर आई है, आज करीब करीब 50 ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर जो है MOU तो साइन हो चुका है लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरी हैं। उनमें उद्योग विभाग की भी परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यटन विभाग के भी हैं और ऊर्जा विभाग के भी हैं। तो आज यहाँ पर जो है वो डिस्कस होना है कि आखिर क्या वजह रही है कि इनको जो है धरातल पर उतरने में इतना समय लग रहा है, क्या कागजी प्रक्रियाएं ज्यादा है, और जो नीति बननी है उद्योग नीति में बदलाव करने जा रही है राज्य सरकार, तो निवेशकों से भी पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह की दिक्कत यहाँ पर उन्हें आ रही है। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जैसे पहले दिन हमने 8 जून को देखा था कि 7 जून को यहाँ पर हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने 1-to-1 भी उद्योगपतियों से बात की थी, इंडिविजुअल तौर पर भी। तो यहाँ पर आज पूरा इनपुट जो है निवेशकों से लिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात इसमें है कि जिस निवेशक का कोई काम अटका पड़ा हुआ है, किसी वजह से नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है ये वजह जानने के बाद मुख्यमंत्री यहीं पर जो है निर्देश दे देते हैं, क्योंकि वो अधिकारी भी संबंधित विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तरह का संवाद कायम होगा, इनपुट राज्य सरकार लेगी, और दूसरा यहाँ से एक संदेश दिया जाएगा कि जो निवेशक यहाँ पर आना चाहता है कि राज्य सरकार बेहद संजीदगी से उनकी बात सुनेगी और उनको जो समस्याएं आ रही है उनको किस तरह से हल यहाँ पर किया जाएगा। अब देखना होगा कि शाम तक आज इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, नीति में जो बदलाव किए जाने हैं, निवेशक की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, राज्य सरकार का अपना क्या विजन है, वो भी शायद पता चल पाएगा कि शाम तक राज्य सरकार चाहती क्या है। और बड़ी बात इसमें यह कि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, निवेश आना चाहिए, क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, और जल्द से जल्द जो है औद्योगिक विकास होना चाहिए, और जो नए औद्योगिक क्षेत्र जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो उद्योग के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और दर्शकों को ये भी बताते चलें कि जो ये बिजनेस मीट है इसकी थीम G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज रखी गई है, यानी कि जो उद्योग है सरकार किस तरीके से उद्योग स्थापित करने में मदद कर सकती है, इसी को लेकर 2:30 बजे राज्य सचिवालय में संवाद होगा। क्या कुछ इन्वेस्टर्स के यहाँ पर मुद्दे हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा, उद्योग मंत्री के साथ कई विभागों के प्रमुख इस बैठक का हिस्सा होंगे। रणबीर आप नजर बना के रखें, और फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और शिलाई से खबर देंगे, जहां नेशनल हाईवे 707 पर मजदूरों का धरना जारी है। धरना प्रदर्शन का आज नवा दिन है, मजदूरों ने उग्र आंदोलन की भी धमकी दी है, बिना नोटिस काम से निकालने का ये मजदूर आरोप लगा रहे हैं, और C2 के बैनर तले ये सभी मजदूर विरोध कर रहे हैं। जल्द काम पर वापस ना बुलाया गया तो SDM कार्यालय का भी घेराव करेंगे, इस तरह की चुनौती भी चेतावनी भी इन मजदूरों ने दी है। कंपनी ने बिना नोटिस 50 कामगारों को निकाला है और तभी से ये सभी मजदूर आंदोलनरत हैं। नेशनल हाईवे 707 पर C2 के बैनर तले ये सभी मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी इन मजदूरों ने दी है। कितने दिन बीत जाने के बाद भी ना तो यहाँ पर कोई स्थानीय प्रशासन का SDM साहब, ना ही प्रशासन यहाँ पर एक बार आया है, और विदाउट किसी नोटिस के व विदाउट किसी के कारण जो मजदूरों को यहाँ पर निकाला गया, हालांकि काम अभी एक साल का यहाँ पर पेंडिंग है। मैं तमाम लोगों से व प्रशासन से सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जो विदाउट नोटिस के मजदूरों को यहाँ पर निकाला गया है उन्हें तुरंत जो है वापस रखा जाए। वो स्थानीय प्रशासन व सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द अगर 1-2 दिन के अंदर इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो आने वाले दिनों के अंदर हम जो है SDM कार्यालय व स्थानीय प्रशासन का घेराव करेंगे। मजदूर वर्ग काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों को मानता है, समय पर उन्हें वेतन देता है, उन्हें जो श्रम कानूनों के तहत जो मिलने वाले लाभ वो प्रदान करता है, तो मजदूर वर्ग ये काम पर जाने के लिए तैयार है।
क्योंकि अगर कंपनी प्रबंधन मजदूरों की मांगों को नहीं मानता है, समय पर उन्हें वेतन नहीं देता है, तो यह आंदोलन लंबा चलेगा और मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अगर आप देवभूमि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और यहाँ के संस्कारों की सही और सटीक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप www.thesamskara.in वेबसाइट पर जाकर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। चार संस्थाओं के मिलकर समस्कारा के नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। वेबसाइट की लॉन्चिंग सोच संस्था के संस्थापक राजा सिंह मल्होत्रा ने की है। राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि समस्कारा का मतलब संस्कार होता है और ये संस्कार हर व्यक्ति तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। और चलिए इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जेकेएलएच पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।